आर डूइंग वेरी गुड. सो आज है 14th of Feb. आप सबको पता है क्या होता है 14th of Feb में, दैट इज़ अ डे ऑफ लव. एंड अदर थिंग इज़ कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हमें ऑलमोस्ट पूरे पाँच साल हो गए हैं. एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे. हम लोग सिटी जा रहे हैं आउटिंग के लिए और हम ट्रेन से जा रहे हैं. यू कैन लिसन द नॉइज़. So, let's have some fun. So, आज हमारे साथ है एक बंदर. इसका नाम आरव है. इसको आप सब लोग जानते हैं एंड इस हैंडसम को भी जानते हैं एंड इस बेबी गर्ल को भी जानते हैं. शी इज सिया एंड शी इज द क्यूटेस्ट बेबी कृषा. कृषा को ट्रेन में जाना बहुत अच्छा लगता है. She enjoys a lot. So, अभी हम हाफवे हैं सिटी के. ऑलमोस्ट आधे घंटे में बट 20 से 25 मिनट में हम सिटी पहुंच जाएंगे. और उसके बाद हमारा जो प्लान है बेसिकली वो ये है, सिटी में यारा रिवर में गो बोट्स चलती हैं, इलेक्ट्रिक बोट्स हैं. यू डोंट नीड टू हैव एनी लाइसेंस और एनीथिंग फॉर इट. ऑल यू नीड टू जस्ट हायर इट और एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, अप टू यू. मिनिमम आई गेस 1 घंटा है और मैक्सिमम 3 से 4 घंटे आप उसको हायर कर सकते हो. तो हमने 2 घंटे के लिए हायर किया है. फर्स्ट एक्सपीरियंस है. लेट्स सी कैसा रहेगा. तो वेदर बहुत अच्छा है और होपफुली. पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ही गर्मी होने वाली है बिकॉज इसमें फ़ोन में 34 डिग्रीज दिखा रहा है. टेम्परेचर 34 ही है. 34 नहीं है, 32 के आसपास है टेम्परेचर, बट धूप नहीं है. हाँ, तो गर्मी नहीं लग रही है. बहुत हवा चल रही है. बहुत बढ़िया रहने वाला है. ठीक है, तो इसके बाद हम पहुँच गए सिटी. और सिटी पहुँच के वॉक करते हैं अपना रोबोट के डॉक पर, जहाँ भी उनकी बे बनी हुई है. ठीक है, ऑल गुड, सी यू. सो गाइस, हम लोग सिटी पहुँच चुके हैं वन मोर टाइम और आज बहुत ही हैपनिंग लग रही है. आज तो सच में बहुत लोग भी दिख रहे हैं. लास्ट टाइम हम आए थे ना, बहुत ही कम लोग थे. अपना फ़ोन दे दीजिए, मेरा फ़ोन ले लीजिए. बच्चों कैसा लग रहा है? वेदर इज रियली गुड ना. वेदर इज रियली गुड. बच्चों आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ. मामू हाँ, ऐसी बोट में जाने वाले हैं हम. आई डोंट नो कैसे वाली है. आई थिंक छोटे वाली, बिकॉज आई रिमेम्बर कि वो कवर्ड नहीं है. हाँ, 8 पीपल आ जाएंगे. वो 8 पीपल को आराम से बिठा लेगी. सिया बताओ, आप क्या करने वाले हो? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर प्लान्स? नो. Yes, Krisha. चलो बच्चों आ जाओ भाई. So, कहाँ पे आ रहे हैं जी? जीजू और अभी अपनी पार्किंग ढूंढ रहे हैं. ओके. तो उनको ऑलमोस्ट लगेगा 15 मिनट. तो हम भी यहाँ से बस चलते हैं और यहाँ पहुँचना है, वहाँ तो पहुँचना सबसे पहले. चलो. सो हम लोग जा रहे हैं. जीजू और कार पार्क करके आ जाएंगे, हमको मिल जाएंगे. आई थिंक सैमी ने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पे मिलना है. सो एक्साइटेड. कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? यार इतना परफेक्ट रास्ता ना, बहुत ज़्यादा. यस बेटा, हमारी बोट वो ली है. यस, गो बोट. वी आर प्रमोटिंग गो बोट. सो गो बोट वालों, अगर आप हमें देख रहे हो, ये वीडियो किसके पास पहुँचती है, तो प्लीज़ कि हमने आपका गो बोट कितना प्रमोट किया. ये जाना बस 5 मिनट की वॉक है, हम तो पहुंच चुके हैं. 5 मिनट्स वॉक.
वेदर बहुत अच्छा है, बार बार यही बारी बात बोली जा रही है, वेदर बहुत अच्छा है, बट सच में बहुत अच्छा है। पहले यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी, बट अब रिप्लेस हो चुकी है वो पीछे जो दूसरी बिल्डिंग है, वन वाइट से मेलबर्न वन वाइट, मेलबर्न वन वाइट। वो रही एक स्कूटर पड़ी हुई है, अच्छा साइकिल पड़ी हो तो मुझे लगा वो पड़ी है कहीं, लेमन स्कूटर। हाँ वो रहा लेमन स्कूटर ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लाइम स्कूटर, लाइम और लेमन वट है वो, लाइम और लेमन, लाइम साइकिल हैं हायर करने के लिए। और ये किसी ने यार रिवर में गिर दी है, वेरी गुड, बहुत गंदे लोग हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं बिकॉज सैमी जीजू एंड दीदी एंड मम्मी को लेने गए, उनको पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ पे, वो दूसरी साइड पे है। सो उनका 10 मिनट वेट करने के बाद आई थिंक हम अपने स्पॉट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें बोट में एक्चुअली बैठना है, तो बस वो आ जाए फिर हम जाते हैं और बोटिंग करते हैं और इंजॉय करते हैं। अच्छा जा रहा दीदी, आई एम रियली इंजॉइंग। सी आप इंजॉय कर रहे हो? यस। हाउ मच? इतना सारा सिया, सॉरी कृषा, हाय लुक एट द कैमरा कृषा, हाय हाय, से मम्मा, से मम्मा, इसको भी दो ही वर्ड्स बोलने आते हैं कृषा को, मम्मा मम्मा पापा पापा। तो अब हम ये पहुंच चुके हैं इसके डॉक पे और हमारी बोट जो है वो रेडी हो रही है, 8 मैक्सिमम अलाउड है और हम 8 ही हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बस इसके बाद इसका एक लेफ्ट साइड पे है ऑप्शन, आप जाने की एक चूज़ कर सकते हो आप राइट साइड जाने की, तो हमने चूज़ राइट साइड की है। ये प्रोसेस है, अभी बस हम इस पे चढ़ने की तैयारी करते हैं अपनी, फिर अपना खाना पीना खोल लेंगे और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया रहेगा, प्यारा के साथ साथ मज़ेदार वेदर एज यूजुअल, दोबारा से ऑसम है। सो वी आर ऑनबोर्डिंग ऑन दिस बोट, ऑल सेट गो, ड्राइवर तैयार है हमारा एज यूजुअल, हम चल पड़े हैं भाई। और yes. तेरे को फ्री में लग रहा है क्या? कहने लगा तेरी मामू की है ये 100 का आएगा। वाओ आराम से। अच्छा अच्छा हां हां, बैग खानी तो आई बैठ कर इसके उतार दो, रोकना नहीं मतलब राइट साइड रखो, आ जा जा आराम से रिलैक्स जाना। कृषा तो हमारे खाने के डिब्बे खुल चुके हैं। अच्छा वो अलग बोट में है, वो किसी और कंपनी की होगी। छोले चावल, छोले राइस है और पास्ता,
एंड जीजू सैमी 10 मीटर अंदर को रहना है, इतनी बड़ी रिवर है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ समझ आया आपको? यार कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो मौसम अच्छा लग रहा है। अनुष्का तेरे को भी दे दूँ? हाँ जी ऑफ कोर्स। मम्मा आपको भी ना सांस ले लो, खुशबू आ रही है। तो अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, हम तो एक में शेयर कर लेंगे ना। कैसा है पास्ता? स्पून दे दिया मैंने, ये देख लिया, चम्मच उठा लिया मैं, उधर देख लिया आपको चम्मच ले लिया। रीशा ये तेरे बाल को कर दूं, देख तो ले गया इसको, वाइप से क्लीन करना पड़ेगा हाथ। कितनी मुश्किल पास्ता, और भी है दूसरे से भी रख लेते हैं। मैंने बनाया, मैंने ले बेटा स्वयं के हाथों से। आप दर्द हो जाएंगे। हाँ सच में बहुत व्यू बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ से मानो ना मानो यहाँ होली का फंक्शन होएगा। अम्मा यहाँ होली पे आना है हमें, यहाँ होली का फंक्शन होएगा। तो पास्ता ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट इज दिस छोले राइस। खाने पे ध्यान नहीं देना, चलाना भी है। छोले चावल कैसे हैं जीजू? नमक कम होगा आई गेस। बने तो बहुत गंदे हैं, बट अब ग्लो बन रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं यू कैन बी ऑनेस्ट। ठीक है अंकित। और हम ये पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए हम जीजू? रिचमंड ना, रिचमंड पहुंच गए हम। और यहाँ से बहुत ही सिटी का नज़ारा नहीं दिख रहा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा नहीं दिख रहा। जाना वाह कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। उधर नहीं, उधर नहीं, ये बीच में इन्होंने ये डॉक बनाई हुई है छोटे छोटे, अगर किसी को रेस्ट करना है तो उसके लिए, जैसे आप अपना थोड़ी देर 5-7 मिनट रेस्ट करना है, कुछ करना है, खाना खुना खाना है, उसके लिए माय ऑफ का ऑफिस है। ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, साइड में ट्रैफिक चल रहा है। तो आरव हमारा ड्राइवर बना हुआ है। स्टारबक्स का ऑफिस है, बट यहाँ कॉफी नहीं मिलेगी पीने को। मम्मी को तो डराने के लिए लाए हैं, तुम्हारे के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अभी जी जोर में डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो बना लेना प्लीज। ओए ड्राइवर, ओए ड्राइवर बाबू, पीछे बोट आ रही है भाई। मुझे लग रहा है दिख रहा है। हम तो डर गए थे अभी टक्कर लगती। कोई गई, मैं भी डर गई। वो एक बड़ा सा क्रूज था ना, उसकी वेव से हुआ ना। हाँ उसको नहीं दिख रहा था, उनका ड्राइवर ऐसा ही था। टून बहुत मजा आ रहा है भाई। हाय मजे, हाय क्या था हो रहा है, हाय मजे, हाय 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 मजे, हाय वो चल रही है।
ट्रेंडिंग वीडियो ना समझ आए 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 मजे आए साढ़े पाँच होने वाले हैं और हमारा टाइम अप हो चुका है बोटिंग के लिए और अभी हम वापस अपने स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ हमने हार किया था एंड देन आई डोंट नो हम क्या करेंगे उसके बाद का क्या प्लान है इसके बाद का ये है क्या है मैं नहीं कर रहा अच्छा हो गई उसके बाद अपन लोग चलेंगे घर चलेंगे यार और क्या हाँ घर चलेंगे हमारा बोटिंग फिनिश हो चुका है हम बाहर आ चुके हैं बहुत प्यास से और मैं बेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर वी आर रेडी टू गो हैव सम रेस्ट और फिर क्या करेंगे सो व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट अगर भूख लग रही होगी खाएंगे नहीं फिर एनीवेज थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से फिगर आउट करते हैं अभी हमें क्या करना है हमारा कोई नेक्स्ट प्रोग्राम तो बन नहीं रहा बिकॉज सब एक्सट्रीमली टायर्ड है सो अभी हम घर जा रहे हैं सो मे बी नेक्स्ट टाइम बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग